बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज की हमारी न्यू वीडियो है असाइनमेंट से रिलेटेड, कि मैं असाइनमेंट कैसे क्रिएट करती हूँ, बनाती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स माय मैक लैपटॉप, इसमें वर्ड नहीं है। सो दूसरे लैपटॉप में वर्ड है, बट उसका जो कीबोर्ड है वो ख़राब हो चुका है। सो मैं आपको मैक में आज असाइनमेंट बनाकर दिखाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने लिब्रा ऑफिस डाउनलोड किया हुआ है। सो हेयर इट इज़। उन्होंने थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये मेरी काफ़ी असाइनमेंट्स और पेपर्स बने हुए पड़े हुए हैं। सो यहाँ से अगर सही नज़र आ रहा हो, ओपन न्यू फाइल, रीसेंट फाइल्स, ठीक है, और टेम्पलेट्स, राइट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगी। वर्ड पे आपका ना आएगा न्यू ब्लैंक पेज, ठीक है, न्यू आएगा, तो आपने उसको क्लिक करके ब्लैंक पेज निकाल लेना है। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया। सो अगर मुझे असाइनमेंट लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये सारा कैपिटल लिखने हो रहा है। ये आपको शिफ्ट एक फिर से क्लिक करना है, असाइनमेंट, ठीक है। इस तरह मैंने असाइनमेंट लिख दी। अब मुझे इसको मिडल में लेके जाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके साइज़ थोड़ा इसका बड़ा कर दूँगी, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं लाइक ऐसे, और इसको मिडल में इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से असाइनमेंट का फ्रंट पेज जो क्रिएट करते हैं, देन वापस से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ऐसे दोबारा से इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, आपको मिड में लिखना है, साइड में लिखना है, जिस साइड में भी अपना माउस आप उधर ले जाए, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं, देन क्लास, देन सब्जेक्ट। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कोर्स लिखते हो, आप अपने सेमेस्टर लिखते हो, कौन सा सेमेस्टर है, नाम लिखते हो, सबमिट किसको करवा रहे हो, सबमिट कौन करवा रहा है, किसको कर रहे हैं, सारा कुछ मेंशन करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग। बस यही चीज़ें होती हैं। इसी तरह आप अपना फॉर्मेट अपना फ्रंट पेज बनाते हैं। ओके, ये तीन चार चीज़ें, बैक स्पेस, सबमिटेड बाय, नेक्स्ट सबमिटेड टू, इस तरीके से जो जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वो लिखकर आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना नाम लिखे, अपनी क्लास, सब्जेक्ट, सारा कुछ लिख के, और इसके अलावा देन आपके क्वेश्चन नंबर वन, ऐसे अपने क्वेश्चन नंबर वन लिखें, देन आंसर इसका दे दें, डेट्स इट। इसी तरह सारे क्वेश्चंस आप लिखते जाएंगे और अपनी असाइनमेंट क्रिएट करते जाएं आप। यही मेन चीज़ें होती हैं, तीन चार, बस ऐसे असाइनमेंट क्रिएट की जाती है। और इसके अलावा लिखने वाली शीट्स पे लिखने वाली वो तो खुद ही बंदा लिख लेता है, तो नॉर्मल असाइनमेंट जो टाइप करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, दैट्स इट। जब आप असाइनमेंट बना लेंगे तो इसको सेव करेंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है, यहाँ पे सेव करते जाएंगे। नज़र आ रहा है ये सेव का ऑप्शन इधर, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। यहाँ से मैं कुछ भी नाम रख लूँगी, ये मैंने जी 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 नाम रख लिया, ठीक है, इसी को क्लिक हुआ था तो मैंने ऐसे कर दिया, तो ये सेव होगी, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैंने अब कुछ और लिख रही हूँ लाइक नेम में मैं लिख देती हूँ स्वीटी, ओके, अब देन मुझे अगेन सेव करनी पड़ेगी। अगर मैं सेव नहीं करूँगी तो जो चीज़ मैंने अगेन ऐड की हुई है वो ख़त्म हो जाएंगी। सो हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं दोबारा। अब वो जी जी वाली असाइनमेंट में ये स्वीटी वाली लिखने गया, ठीक है। अब
सेव हो गई है। अब इसको उठाकर आपने मोबाइल में लेकर आना है, तो मैं तो बहुत इजीली कर लेती हूँ, मैं ईमेल कर देती हूँ। मैंने सेम ईमेल आईडी अपने मोबाइल पे भी ओपन की हुई है और अपने मैक पे भी ओपन की हुई है, तो मैं डायरेक्ट ईमेल कर देती हूँ, अपनी ईमेल से ही खुद को ईमेल कर देती हूँ, तो वो डायरेक्ट मेरे मोबाइल में आ जाती है। और इसके अलावा अगर नहीं तो ये जो चार्जर होता है आपके पास, चार्जर जो है आपके मोबाइल का चार्जर, आप इसको लगा कर वो मीडिया से अपने मोबाइल में लेकर आ सकते हैं, उसके थ्रू, केबल के थ्रू। वो भी करना आता होगा, अगर नहीं आता तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना लूँगी। या तो ईमेल वाला तो सबसे बेस्ट है कि ईमेल से खोल लें आप, नहीं तो आप अपनी चार्जर वाला केबल यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है बताने वाला। सो बाय बाय।